गोल आपका, ड्रीम हमारा, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल मेला। वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देखने वाले हैं, जिनसे एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन आते हैं। इसके पहले मैंने आप लोगों को सीआरओ का पार्ट वन और पार्ट टू दो वीडियोस दिए हुए हैं, वो यहाँ पर आपको आई बटन पर मिल जाएंगे, तो वो आप जाकर देख लीजिए, उसके बाद ही इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। पहला जो कंसेप्ट है डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी का है, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस तरह से आता है कि आपको डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी की वैल्यू दे दी रहेगी और आपको पूछेगा डिफ्लेक्शन फैक्टर की वैल्यू। तो डिफ्लेक्शन फैक्टर इज इक्वल टू होता है 1 बाई डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी। अगर हमको डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी दी हुई है 10 मीटर पर वोल्ट, तो डिफ्लेक्शन फैक्टर हो जाएगा 1 बाई 10, और जो यूनिट है वो चेंज हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी वोल्ट पर मीटर, दैट इज़ 1 बाई 10 वोल्ट पर मीटर। सो आपके पास आंसर आ जाएगा डिफ्लेक्शन फैक्टर का, वो हो जाएगा 0.1 वोल्ट पर मीटर। सेकेंड जो कंसेप्ट हमारा यहाँ पे बन जाता है वो ये है कि बैंडविथ और फास्टेस्ट राइज टाइम के बीच में है। आपको बस ये फार्मूला रिमेंबर करना है कि जो बैंडविथ होगा दैट इज़ मल्टीप्लीकेशन विथ राइज टाइम रिजल्ट 0.35। अगर बैंडविथ और राइज टाइम का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0.35। ये एक फार्मूला है, अगर इसमें क्वेश्चन दिया जाता है एग्ज़ाम में कि बैंडविथ है 0 से 10 हर्ट्ज़, बैंडविथ क्या है आपका 0 से 10 हर्ट्ज़ है, तब टी आर की वैल्यू क्या होगी, राइज टाइम की वैल्यू क्या होगी, दैट इज़ 0.35 डिवाइड बाई बैंडविथ। 0.35 डिवाइड बाई बैंडविथ, बैंडविथ की वैल्यू क्या है 0 to 10 हर्ट्ज़। तो जब हम 10 हर्ट्ज़ वैल्यू रखते हैं तो टी आर की वैल्यू आ जाती है 0.035, दैट मीन्स 35 मिली सेकेंड इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं जो हमारा है टाइप ऑफ फॉस्फर यूज्ड फॉर कलरफुल ल्यूमिनस स्पॉट। हमने देखा होगा कि सीआरटी स्क्रीन पर कभी ग्रीन कलर का ग्राफ बनता है, कभी रेड कलर का ग्राफ बनता है, कभी ब्लूइश ग्राफ बनता है, तो अलग अलग कलर के ग्राफ उसमें बनते हैं, तो वो बनते कैसे हैं वो हम देखते हैं। तो हमारे पास होती है सीआरटी की फ्लोरोसेंट स्क्रीन, और इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर हम फॉस्फर की कोटिंग करते हैं, ठीक है। जब फॉस्फर की कोटिंग की जाती है तो फॉस्फर जो मटेरियल होते हैं वो बहुत टाइप के होते हैं। मान लो पहला अगर हमने यूज़ किया फॉस्फर मटेरियल येट्रियम ऑक्साइड, अगर हमने येट्रियम ऑक्साइड यूज़ किया है तो हमारा जो ल्यूमिनस स्पॉट होगा वो रेड कलर का ग्लो करेगा। अगर हमने येट्रियम सिलिकेट यूज़ किया है तो पर्पल ग्लो करेगा, ठीक है, पर्पल टाइप का जो हमारा ल्यूमिनस स्पॉट है उसका ग्लो का कलर होगा। इसके बाद जिंक सल्फाइड अगर यूज़ करते हैं आप विथ सिल्वर मेटल एज इम्प्योरिटी, अगर जिंक सल्फाइड यूज़ कर रहे हैं विथ सिल्वर मेटल एज इम्प्योरिटी, देन इट विल गिव यू ब्लूविश ग्लो, ये ब्लू कलर का आपको ग्लो देगा, ल्यूमिनस स्पॉट जो बनेगा इसमें वो ब्लू कलर का होगा। नेक्स्ट है जिंक सल्फाइड विथ कॉपर एज इम्प्योरिटी गिव्स ग्रीनिश ग्लो, अगर आपको ग्रीन ग्लो चाहिए, ल्यूमिनस स्पॉट का ग्लो कैसा चाहिए, ग्रीन चाहिए, तो आपको जिंक सल्फाइड के साथ में कॉपर मेटल एज इम्प्योरिटी यूज़ करना पड़ेगा। ये सभी आपको फॉस्फर की कोटिंग जो स्क्रीन में करते हैं वहाँ पे करना होगा, जहाँ पर हाई एनर्जी हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन बीम आती है और वो जा कर के फॉस्फर मटेरियल पर पड़ती है, जिससे फॉस्फर मटेरियल एक ब्राइट स्पॉट क्रिएट करता है। तो अगर उसमें आपको कलर चाहिए तो फॉस्फर मटेरियल के अलग अलग यहाँ पे मैंने नाम बताए हैं, अगर इस तरह के फॉस्फर मटेरियल्स को आप यूज़ करते हैं तो आपको सीआरटी में जो ल्यूमिनस स्पॉट प्राप्त होता है उसका जो कलर है आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट है लिजाजुस पैटर्न से रिलेटेड, जो हमने इसके पिछले वीडियो में भी दिखाया है आपको, साथ में मैंने फेज शिफ्ट का रिलेशन बताया और यहाँ पे क्वाड्रेंट रिलेशन बताया हुआ है। अगर आपका लिजाजुस पैटर्न, ये लिजाजुस पैटर्न कैसे बनता है भाई, ये बनता है आपका अगर दो वोल्टेज वेव फॉर्म्स हैं और दोनों की फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज सेम है लेकिन उनके बीच में कुछ फेज शिफ्ट है, तो अगर उसको आप अलग अलग इनपुट देंगे सीआरओ में, तो अगर आप डुअल ट्रेस करते हैं तो आपको पता चलेगा पहला स्ट्रेट लाइन मिलता है, और स्ट्रेट लाइन तब मिलेगा जब उनके बीच का फेज शिफ्ट, दोनों वोल्टेज वेव फॉर्म के फेज शिफ्ट क्या होंगे, 360 डिग्री या 0 डिग्री। दो वोल्टेज वेव फॉर्म मतलब एक को आप हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट में अप्लाई करेंगे और दूसरे वोल्टेज वेव फॉर्म को आप वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पर अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट अगर आपको सर्कल मिलता है इसका मतलब जो फेस शिफ्ट है वो 90 डिग्री होगा या तो 270 डिग्री होगा, और ये सभी क्वाड्रेंट में है, देखिए आप सभी क्वाड्रेंट में है, लेकिन जो हमारा स्ट्रेट लाइन है अगर वो फेस शिफ्ट क्या है 0 डिग्री और 360 डिग्री है, तो आपका फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ही होगा।
साथ में हमारे पास दो एलिप्स भी बनते हैं। अगर एलिप्स बनता है और उसका मेजर एक्सिस कहाँ पर है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में है, इस तरीके का डायग्राम बनता है, तो आप समझ जाइए कि उसका जो एंगल होगा, फेज शिफ्ट का एंगल दोनों वोल्टेज वेवफॉर्म्स के बीच का, वो 0 से 90 डिग्री का होगा या तो 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच का होगा। नेक्स्ट, अगर आपका जो मेजर एक्सिस है एलिप्स का वो बनता है सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच में, तब आपको इस तरीके का डायग्राम बनेगा। और ये जो डायग्राम है ये बताता है कि जो फेज शिफ्ट होगा दोनों वोल्टेज वेवफॉर्म के बीच का, दैट इज 90 डिग्री टू 180 डिग्री या 270 डिग्री टू 360 डिग्री। साथ में मैंने एक फार्मूला भी बताया है, इस फार्मूला का यूज़ करके अगर आपके पास दो सेम फ्रिक्वेंसी वाले वोल्टेज वेवफॉर्म है लेकिन उनका जो वोल्टेज मैग्नीट्यूड है वो अलग अलग है, एम्पलीट्यूड है वो अलग अलग है, तब भी आप उनके बीच का फेज शिफ्ट निकाल सकते हैं यूजिंग दैट फार्मूला, वेयर फाई इज द फेज शिफ्ट बिटवीन टू वोल्टेज वेवफॉर्म्स एंड Y1 इज द माइनर ट्रेस एंड Y2 इज द मेजर ट्रेस। पिछले वीडियो में अगर आप देखेंगे तो आपको इसका डिटेल और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसलिए अगर आपने नहीं देखा है पिछला वीडियो तो पहले देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। इसको यूज़ करके आप कर सकते हैं, ये वाई एक्सिस के ट्रेसेस मिलते हैं इसमें एक्स एक्सिस के, तो छोटे वाले को ऊपर रखना है, 1 डिनोट करना है और बड़े वाले को नीचे रखना है, ठीक है। इसके बाद आता है मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। मेजरमेंट फ्रीक्वेंसी में आप देखेंगे FI/FX, ठीक है, मतलब कि वाई और मतलब जो डिफ्लेक्शन प्लेट है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट, उस पर जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी, और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट पे जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी FX, तब उसका जो फॉर्मूला बन जाता है नंबर ऑफ इंटरेक्शंस विथ हॉरिजॉन्टल लाइन डिवाइड बाय वर्टिकल लाइन। इसका भी पूरा डिटेल मैंने पिछले वीडियो में दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल टेंजेंसीज डिवाइड बाय वर्टिकल टेंजेंसीज, नंबर ऑफ टाइम्स टेंजेंट टचेस टॉप, नंबर ऑफ टाइम्स टेंजेंट टचेस आइदर साइड्स। ये किसके बारे में बात हो रही है, लिजाजुस पैटर्न के जो वो है टॉप है आइदर साइड है उस तरह, इस तरीके का जैसे लिजाजुस पैटर्न बनता था तो इस तरीके से हम उसको टच करते थे, उसकी बात कर रहे हैं। तो आप वो पिछला वीडियो देखिए, उससे कंप्लीट हो जाएगा, बाकी फॉर्मूले आप यहाँ से रिफ़र कर सकते हैं। टाइप ऑफ स्वीप, कितने टाइप के स्वीप होते हैं आपको पता है, CRO स्क्रीन में एक टाइम बेस जनरेटर होता है जो इस तरीके से टाइम बेस को प्रोड्यूस करता है और जिसके ऊपर हमारा जो वोल्टेज है अप और डाउन जाता है, ठीक है। तो वही टाइम बेस जनरेटर या स्वीप जनरेटर कहते हैं, वो कितने टाइप का होता है, चार टाइप का होता है। एक होता है सिंगल स्वीप और दूसरा ड्राइवर नहीं है, ये डिलेड स्वीप है, क्या है, डिलेड स्वीप, ठीक है, रिकरेंट स्वीप और ट्रिगर्ड स्वीप। तो पहले देख लेते हैं सिंगल स्वीप के बारे में। सिंगल स्वीप जो होता है इसमें द सिग्नल अंडर स्टडी प्रोड्यूसेस अ ट्रिगर सिग्नल विच इन टर्न प्रोड्यूसेस अ सिंगल स्वीप। ये सिर्फ सिंगल एक ट्रिगर प्रोड्यूस करता है इसलिए सिंगल स्वीप कहला रहा है। सेकेंड है डिलेड स्वीप, इट इज़ अ टेक्निक टू एड अ प्रिसाइज अमाउंट ऑफ टाइम बिटवीन ट्रिगर पॉइंट एंड बिगिनिंग ऑफ द स्कोप स्वीप। इसको हम थोड़ा सा डायग्राम से देख लेते हैं कि एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है। मान लो हमारा जो आउटपुट वेव फॉर्म है किसका, स्वीप जनरेटर का, वो इस तरीके से है। तो इसमें जो TR है, ठीक है, ये है रिट्रेस टाइम या रिट्रेस पीरियड, और TS है ये स्वीप टाइम है, इसी टाइम पर आउटपुट मिलेगा, और फिर क्या है, होल्ड टाइम है, क्लियर है। तो तीन टाइम से मिल करके हमारा स्वीप बना है। अब होगा क्या, जब हमारा सिग्नल अप्लाई होता है और हमारा स्वीप चालू होता है तो जो ये रिट्रेस टाइम होता है इसके कारण हमारा कुछ सिग्नल लॉस्ट हो जाता है, तो इसको बचाने के लिए हम डिले लाइन या फिर डिलेड स्वीप जनरेटर यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, जो इनपुट पल्स है, ठीक है, उसको हम डिले कर देते हैं रिट्रेस टाइम से, है ना, TD = TR मान लो, क्योंकि जो रिट्रेस टाइम होता है, और TD, इसको सेम रखने से एग्जैक्ट हमको सिग्नल मिल जाता है। तो हम क्या करते हैं, इनपुट सिग्नल को ही क्या करते हैं, डिलेट कर देते हैं, मतलब कुछ टाइम से वो डिले हो जाता है, जिसके कारण एग्जैक्ट हमको ये फिर मिलने लगता है। फिर ये जो सिग्नल है यहाँ से स्टार्ट ना होके यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जिससे हमको वेव फॉर्म जो मिलती है CRT में वो प्रॉपर मिलने लगती है। तो बस यही काम होता है डिलेट सिग्नल का, डिलेट स्वीप का, जो कि क्या करता है, एक टेक्निक है दैट एड्स अ प्रिसाइज अमाउंट ऑफ टाइम बिटवीन द ट्रिगर पॉइंट एंड बिगिनिंग ऑफ द स्कोप स्वीप, ठीक है। फिर आता है आपका रिकरेंट स्वीप, द ऑपरेशन ऑफ CRO इन विच CRT स्क्रीन इमेजेस या CRT डिस्प्ले ऑल्सो चेंजेस रिपीटेटिवली।
मतलब एक सीआरओ का ऐसा ऑपरेशन है जिसमें इनपुट जो हमारा है, ठीक है, इनपुट जो वोल्टेज है उसी के साथ में वो, क्योंकि वो इनपुट वोल्टेज क्या हो सकता है, अल्टरनेटिंग हो सकता है, ठीक है, रिपीटेटिव हो सकता है, तो हमारा जो स्वीप जो जनरेट होगा टाइम बेस का वो भी क्या होगा, रिपीटेटिव होगा और शॉर्ट टूथ एसी वोल्टेज के फॉर्म में होता है, अल्टरनेटिव होता है, बार बार रिपीट होता है वो भी, ठीक है, तो इसको रिकरेंट स्वीप बोलते हैं। अगर आप चाहें तो रिकरेंट का मीनिंग देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ट्रिगर्ड स्वीप, ट्रिगर्ड स्वीप मतलब इट इज़ यूज टू ट्रिगर द टाइम बेस वेव फॉर्म यूजिंग इनपुट सिग्नल इंस्टेंसेस, मतलब इनपुट सिग्नल के इंस्टेंसेस, मतलब उसके इंस्टेंट्स को यूज करके हम क्या करते हैं, ट्रिगर जनरेटर जो है हमारा टाइम बेस जनरेटर, उसको ट्रिगर करते हैं टू, उसको ट्रिगर करते हैं टू क्रिएट वेव फॉर्म्स, टू प्रोड्यूस वेव फॉर्म्स। पार्ट ऑफ सिग्नल लॉस की तो देख लिया हम लोगों ने। मान लो आपको निकालना है कि कितने साइकल्स वेव फॉर्म वो दिखेंगे आपको किसके अंदर पे, सीआरटी के स्क्रीन पर, ठीक है, तो आप क्या करो, आपके पास क्या है, टोटल 1 सेकंड का स्क्रीन है। मान लो ये 1 सेकंड में क्या है आपका, 0.2 सेकंड, ऐसे 5 भाग बने हुए हैं, ठीक है, मान लेते हैं ऐसा 5 भाग बने हैं, मान लो 5 भाग यहाँ पे बने हुए हैं 1 सेकंड, है ना, तो 1/5 कितना निकल रहा है, 0.2, मतलब 1 सेकंड तो 200 मिली सेकंड का एक पार्ट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक साइकिल कितने का है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 हर्ट्ज़ है इसकी फ्रीक्वेंसी, और हमारा टोटल कितना है, टाइम डिवीज़न 1 सेकंड है, तो कितने साइकिल आ जाएंगे, ठीक है, कितने साइकिल आएंगे बताइए, तो जो इसका टाइम पीरियड है वो निकाल लेते हैं। इस सिग्नल का जो टाइम पीरियड होगा ये होगा 1/3, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 हर्ट्ज़ है, तो क्या आ जाएगा, 1/3, और ऐसे 1/3 के हम 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/3, दैट इज़ 1। तो 1 सेकंड में इसके कितने साइकिल आ रहे हैं, 3 साइकिल यहाँ पे इंक्लूड हो रहे हैं। साथ में अगर आपको चाहिए कि आप ये मैग्नीट्यूड निकाल सकें वोल्टेज का, तो आपको ये खाने गिनने होंगे। मान लो जो एक खाना है उसका जो वोल्टेज है वो कितना दिया है, 5 वोल्ट पर डिवीज़न दिया हुआ है, और आपका जो सिग्नल है वो ऊपर की तरफ 2 खाने में आ रहा है, मतलब आपको पीक वोल्टेज अगर निकालना है तो 2 खाना है, तो 2 × क्या करोगे, 5 कर दोगे, कितना आएगा, 10। तो इसी से वोल्टेज कैलकुलेशन का फॉर्मूला निकला कि वोल्ट पर डिवीज़न डिवाइडेड बाय इंटू नंबर ऑफ डिवीजन्स, जितना नंबर ऑफ डिवीजन सिग्नल ने ऑक्यूपाई किया, तो 2 और यहाँ पे आ जाएगा 5, तो टोटल कितना आ गया, 10 वोल्ट। तो ऐसे मेजरमेंट कर लेते हैं। फिर हमको अगर टाइम का निकालना है कि जैसे एक टाइम कितना बता रहा है हमको, 1 सेकंड बता रहा है, मान लो 1 सेकंड का टाइम बता रहा है एक बॉक्स, कितने बॉक्स हैं गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 बॉक्स हैं, और एक बॉक्स कितना दिखा रहा है, 1 सेकंड का, तो 1 सेकंड पर डिवीज़न एक बॉक्स की वैल्यू हो गई इंटू नंबर ऑफ डिवीजन्स, तो कितने, 10 ले लिए, तो टोटल हमने 10 सेकंड का ये दिखाया। अब देखो रिपीट कितने के बाद हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है हर 3 बॉक्स के बाद में, देखो हर 3 बॉक्स के बाद में रिपीट हो रहा है, क्लियर है, हर 3 बॉक्स के बाद में रिपीट हो रहा है, तो कितने साइकिल आ जाएंगे, 10/3, तो कितना हो गया, 3.33, मतलब 3 साइकिल तो आएंगे ही, साथ में 1 साइकिल का 1/3 साइकिल भी आएगा, इस तरीके से इतने साइकिल आ जाएंगे स्क्रीन पर। तो ऐसे निकाल लेते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।